नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दागी अफसरों और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही बिहार के युवाओं की प्रतिभा की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। इस पर सियासत गरमा गई है। वहीं जदयू ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डीएसपी जिस पर नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार के साथ साथ केंद्रीय चयन परिषद में भी भारी धांधली करने का आरोप है, उसको बचाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, बिहार में दलितों के मुद्दे पर भाजपा अपने सरकार पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस पर दलितों के अत्याचार का आरोप लगाया तो सरकार में मंत्री जनक राम ने जबरन धर्म परिवर्तन का मसला उठाकर बिहार की सियासत को गरमा दिया। बिहार सरकार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने अपनी सरकार को कटघड़े में खड़ा कर दिया। मामला गोपालगंज और जमुई से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों ही जगह महादलित लड़कियों का जबरन अपहरण कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने निकाह कर लिया। साथ ही दोस्तों, चार चरणों के लॉकडाउन के बाद अब बिहार में अनलॉक वन की शुरुआत हो गई। 8 जून तक लॉकडाउन है, उसके बाद 9 जून से अनलॉक शुरू होगा। ये अनलॉक अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे से खोला जाएगा। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अब मंगलवार 8 जून को हुई होगा। सोमवार को सीएम नीतीश ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की है, लेकिन अनलॉक की गाइडलाइन पर फैसला नहीं हो सका। मंगलवार सुबह 11 बजे फिर मीटिंग होगी, उस दौरान अनलॉक में दी जाने वाली छूट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, बिहार में सबसे पहले बांका और जमुई में मॉनसून दस्तक देगा। इसके बाद राज्य के सभी इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मॉनसून केरल से कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गया है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी होते हुए 9 जून को ओडिशा पश्चिम बंगाल में दस्तक देगा। फिर 11 जून को झारखंड पहुँचने की संभावना है और यहाँ से 12 से 15 जून के बीच बिहार के बांका जमुई से होते हुए अन्य हिस्सों पर प्रभाव डालेगा। वही तो बिहार में शराबबंदी का पालन करवाने वाली पुलिस ही खुद शराब पीने के जुर्म में जेल जा रही है। मामला राजधानी पटना के गौरीचक थाने का है, जहां पदस्थापित मुंशी दिनेश यादव देर शाम थाना परिसर में शराब का सेवन कर रहे थे और यह पूरी घटना किसी ने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोमवार को जब वीडियो वायरल हुआ तो एसपी के निर्देश पर थानेदार ने मामले की जाँच शुरू की, जिसके बाद आरोपी पाए गए मुंशी दिनेश यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा। 7 निश्चय के तहत हर घर में नल का जल पहुंचाना है, लेकिन घर तो दूर टंकी में पहुंचने से पहले ही इस योजना का बेस जल मीनार गिर जा रहा। ताज़ा मामला गया के बाराचट्टी प्रखंड में सामने आया और यहाँ झांझ पंचायत के दहवा गाँव में महादलित टोला के वार्ड नंबर 3 में बना जल मीनार महज 2 दिन में ही भरभरा कर गिर गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल मीनार के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। बाढ़ सचिव संजय कुमार यादव ने बताया कि करीब 9 लाख रुपए से टंकी का निर्माण किया गया था। झांझ पंचायत का दहवा गांव महादलितों की बस्ती है, इसका खामियाजा यहां के ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। वहीं तो बिहार के शिवहर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की प्लानिंग कर रही है और इस संबंध में शिवहर जिला प्रशासन ने अनोखी योजना की शुरुआत की। डीएम सज्जन राजशेखर ने टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इनाम देने की शुरुआत की है। वैक्सीन लेने वालों को इनाम के तौर पर फ्रिज, कूलर और सोने का सिक्का दिया जा रहा। समाहरणालय के सभाकक्ष में डीएम ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के स्वेच्छा से टीका लेने वाले लोगों को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही दोस्तों, बिहार में राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराई गई। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इससे मरीजों की परेशानी कम होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से यह व्यवस्था कराई गई है। जयप्रकाश नारायण अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। साथ ही दोस्तों, औरंगाबाद जिले में जिला स्वास्थ्य समिति औरंगाबाद द्वारा आयोजित मिशन जिंदगी कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के सोनगर कॉलोनी में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर DDC अंशुल कुमार ने रक्तदाताओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। साथ ही दोस्तों, समस्तीपुर में जदयू की जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी के भाई की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपराधी 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। घटना
सरायरंजन थाने के जखरा गांव के पास किए। सोमवार दोपहर जतिन नेत्री के भाई व सीएसपी संचालक सुनील कुमार बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने ओवरटेक करके उनकी बाइक रोक ली और हथियार के बल पर लूटपाट करने लगे। सुनील ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई और कैश लेकर फरार हो गए। साथ ही दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नीति आयोग की एसडीजी की रिपोर्ट पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया तो बीजेपी नेता ने उन्हें घेर दिया। बीजेपी नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय ने उपेंद्र कुशवाहा को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर आईना दिखा दिया। संतोष रंजन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब आप केंद्र में मंत्री थे तब नीतीश कुमार से केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन मांगी थी और आप नाक रगड़कर रह गए, जमीन नहीं मिली आपको। तो योग गुरु रामदेव के बयान के बाद शुरू हुई आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई बिहार में भी जोर पकड़ रही है। बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर में गुस्से के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार यूनिट ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पटना में रविवार को हुई या आईएमए की बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदेश के 50 थानों में केस दर्ज कराने का फैसला लिया गया। इसके लिए सभी ब्रांच के सदस्यों को तैयार किया गया है। आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर विमल कारा का कहना है कि एक एक कर सभी थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एक बार फिर से जेडीयू नेता महेश्वर यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि देश की जनता नीतीश कुमार को पीएम के रूप में देखना चाहती है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है। नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग की राजनीति में जेडीयू के साथ साथ उनके सहयोगी दल भी कूद पड़े हैं। विपक्ष इसी बहाने बिहार की एनडीए सरकार को आईना दिखा रहा है। शुरुआत जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने किया है, फिर विशेष पर सबने विशेष प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार विभाजन के उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव हो गया, बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं का लगातार प्रहार होता रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से राज्य में विकास की गति को आगे बढ़ा रही है। वरिष्ठ दक्षिण बिहार बैंक के ब्रांच मैनेजर रविशंकर कुमार को बक्सर की पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। बक्सर से आई पुलिस टीम ने बगैर पटना पुलिस को जानकारी दिए हुए बोरिंग रोड के हिमगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की। वहां पर अपने परिवार के साथ रह रहे रविशंकर कुमार को गिरफ्तार किया और अपने साथ लेकर चली गई। गिरफ्तार किए गए मैनेजर पर 1 करोड़ से अधिक के गबन का आरोप है। वरिष्ठ मधुबनी में माँ से मिलने आए आसिक के दो बेटों ने पीट पीट कर मार डाला। 40 साल के अधेड़ को उस महिला के साथ अवैध संबंध था। शनिवार की रात जैसे ही महिला से मिलने उसके घर में घुसा, उसे एक बेटे ने देख लिया। इसके बाद वह शोर मचाने लगा जिससे उसका भाई भी जग गया। दोनों ने मिलकर अधेड़ के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उसे तब तक पीटा जब तक कि उनकी सांस नहीं उखड़ गई और बेरहमी से की गई पिटाई के बाद वो मौत की नींद सो गए। वहीं तो संक्रमण के बीच कई लोग के बड़े मददगार बनकर सामने आने वाले बिहार के पटना मुकेश हिसारिया भी इन्हें में से एक हैं। मुकेश को समाज सेवा के लिए ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। संक्रमण काल में लोगों की मदद करने के लिए डेटॉल कंपनी ने मुकेश को सम्मानित किया है। डेटॉल ने उन्हें ओवर प्रोटेक्टर सम्मान से नवाजा है। अमिताभ बच्चन भी मुकेश के सामाजिक कामों के लिए उनकी तारीफ कर चुके हैं और अब डेटॉल के हर पैकेट पर उनका नाम होगा और साथ ही साथ उनका फोटो भी दिखाया जाएगा। वरिष्ठ औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई नक्सली मामलों में दर्ज एक हार्डकोर नक्सली शिव भुइयां को अंबा पुलिस ने संडा बाजार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर विस्फोटक सामान का सप्लाई करने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। आरोपी के खिलाफ दर्जनों मामले अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। वरिष्ठ भागलपुर के सुल्तानगंज के मधुबन नर्सरी में बीते 3-4 दिन रात से आमों की पैकिंग की जा रही थी। यह भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम है। इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौगात स्वरूप भेजा जा रहा है। यह सौगात बीते 14 सालों से जा रही है। 2007 से शुरू हुआ सिलसिला अब तक जारी है। वरिष्ठ बिहार में संक्रमण के मामले तेजी से कम आ रहे और पटना में 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 100 से भी कम है। बिहार में भी नए मामलों की संख्या 1000 है। पटना में 71 और बिहार में 1007 है। बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 9627 हो गई है। तेजी से घटने मामलों को लेकर बड़ी राहत है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस मेंटेन हुआ और इस कारण से ही मामलों में लगातार कमी आ रही। बिहार के 38 जिलों में नए मामले अंडर 100 हैं जबकि 4 जिलों में 50 से ऊपर नए मामले आए हैं।
वहीं तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भड़क गई। उन्होंने सुशील मोदी को फिर से निशाने पर लिया है। इससे पहले सुशील मोदी की शिकायत पर रोहिणी का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब जब रोक हटी तो रोहिणी पुराने तेवर में फिर से नजर आई। रोहिणी ने अब सुशील मोदी को घोर अनैतिक पाप करने वाला कहा है। रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा कि क्या घरेलू महिला क्रांति नहीं ला सकती, जिसके मुंह से यह बात निकली। महिला और भारतीय समाज का उपवास और अपमान करने का उसने घोर अनैतिक पाप किया है। तो दोस्तों बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिले।